एक दूजे के वास्ते। मैंने क्या किया? अच्छा तूने नहीं किया तो और किसने किया? सबके सामने उसकी इंसल्ट करवा दी, चोट लगी होगी वो अलग, बेचारा। तुझे शट अप ओके। तेरा ये बेचारा ना आज सुबह एक ऑफिसर की जैकेट चोरी करके भाग रहा था और अभी तेरा बैग स्कैन कर रहा है। इडियट। और ऊपर से इतना कमजोर है कि मैंने एक बार क्या खींचा, धम से गिर गया, इसमें मेरी क्या गलती है? अब अगर यहाँ से हिला ना तो इस बार मैं तुझे धक्का मार दूँ। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कर्नल विजय तिवारी जी को। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़। कर्नल विजय तिवारी जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर मात्र 5 घंटे में एक बहुत बड़े आतंकवादी गिरोह को जंगल में ही धर दबोचा और हजारों गांव वासियों की जान बचाई। सुनो जी, विजय भाई साहब को मेडल मिल गया ना, अब घर चले। श्रवण को चोट लग गई है ना। अरे उसे लगेगी ना, ये तो अच्छा हुआ कि किसी ने अभी तक इसको चपेट नहीं मारी है। और घर कैसे जा सकते हैं? कर्नल साहब ने कहा है ना कि लंच साहब ने करेंगे, लंच के बाद वो मुझे कुछ इम्पोर्टेंट ऑफिसर से मिलाने वाले हैं जिनसे मेरा काम बनने वाला है, उनसे मिलना जरूरी है मुझे। श्रवण को चोट लग गई है, आपको काम की पड़ी है। कविता सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इस देश का जिसने मुझे इस काबिल बनाया, और फिर इस टीम का जिसके सपोर्ट के बिना कोई मिशन पॉसिबल नहीं हो सकता, और फिर अपने परिवार का जिनके प्यार और बलिदान के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे आज ये जो थोड़ा समय मिला है बोलने के लिए, उसमें मैं कुछ अलग बात करना चाहता हूं और किसी और से करना चाहता हूं, और वो हैं यहां आए हुए स्टूडेंट्स। तो मेरे यंग दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि आर्मी का गठन हुए, आर्मी को बने 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं, और इन 100 सालों में तकनीक, हथियार और उनको इस्तेमाल करने के तरीकों में बहुत बदलाव हुआ। लेकिन एक चीज है जो बिल्कुल नहीं बदली और ना कभी बदलेगी, और वो है आर्मी का अनुशासन, डिसिप्लिन, जो आपको अपने काम में बेस्ट होना सिखाता है, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो। आप चाहे आर्मी ज्वाइन करें, सिविल सर्विसेज ज्वाइन करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, म्यूजिशियन बने, एंटरप्रेन्योर बने, आप में डिसिप्लिन होगा तो आप अपने काम में बेस्ट होंगे, और आप बेस्ट होंगे तो आपका देश बेस्ट होगा। इस देश का भविष्य आप लोगों के मजबूत कंधों पर टिका है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने देश का नाम पूरे जहां में रोशन करेंगे। जय हिंद। वैसे अब लग रहा है ना कि तू पार्टी में आई है, कितना प्रिटी ड्रेस है। तुझे बोला तो था सिर्फ सल्यूट के लिए यूनिफॉर्म पहना था। या श्रवण, तू यही रुक। ये भी लंच में इनवाइटेड है। और कोई भी खुराफात करके मुझे और शर्मिंदा मत करना प्लीज। बेचारा कितना ह्यूमिलिएट होना पड़ रहा है उसे तेरे वजह से। ह्यूमिलिएट नहीं, पनिश हो रहा है वो अपनी स्टूपिड हरकतों के लिए। ओके सुमन यार, लेट्स बी रियल, डोंट यू थिंक कि तुझे सॉरी बोलना चाहिए? मैं उस लूजर को सॉरी बोलूं? चलिए जी। जी मैं ना मेरे बेटे के साथ ही रहूंगी। ओ जी, ये आर्मी फंक्शन है, यहाँ आपस में लोग अपने अपनी जनानियों के साथ मिलते हैं, जनानी मर गई हो तो अलग बात है। पुत्र तू यहाँ आराम से बैठ, मैं इनके साथ जाती हूँ। चलो जी। हे कंचन। हाय, मैं 2 मिनट में अपनी फ्रेंड से मिलकर आती हूँ। ओके Thank you.
Absolutely. I'm very happy. Colonel Saab. Oh, Devraj. Congratulations, Colonel. Thank you. Aapki speech kamal ki thi, sir. Thank you. Thank you. Thank you so much. Tripathi, sir. Papa ke dost hain. Achha. Sir, meet Mr. Devraj Malhotra. Hello, Mr. Devraj. Hello, sir. Pleasure meeting you. Same here, sir. Mrs. Malhotra. Devraj mere aziz doston mein se hai, sir. Let me tell you, mere kuch hi civilian friends hain, sir. And I'm proud of them. And Devraj is one of them, sir. I'm honored, sir. Thank you. Ye aapka bada appan hai. No, Mr. Devraj. Colonel sahab to aapki tareef kar rahe hain. Iska matlab aap zarur is kabil honge. See? Thank you, sir. तो लगे है यार यार अभी खाने भी कोई फौजी रूल ना बनाए उन्होंने तो ये अच्छा है Excuse me. जी वो तेल कितना है इसमें ये तुम खाओगे आर्मी में नहीं हो तो इसका मतलब है कुछ भी खाओ पेट देखो अपना सिलेंडर से ज्यादा गैस भरी है उसमें चूल्हे के सारे मत रहो ये दद्दू अपने बच्चों पे इतने कड़क हैं मुझ पे तो तान नहीं थी बच्चों को तो मार्शल लॉ लगा रखकर खुद खुद सांडो रखे हैं अपने को क्या खाने पे फोकस करते हैं अब हम पड़ोसी हो गए कभी आइए डिनर करने के लिए घर पर जरूर आएंगे मिसेस मल्होत्रा इवेंट में आपका बेटा गिर गया था इज ही ऑल राइट नाउ जी उसका पैर फिसल गया था बाय द वे श्रवण है कहाँ यहीं कहीं होगा हॉस्पिटल यार आर्मी वालों को एटीट्यूड भले करवाओ खाना बहुत सही है इन्हें कुछ चोट लग गई थी जरा चेक करके फर्स्ट एड कर दीजिए प्लीज दिखाइए कोई जरूरत नहीं है आई कैन हैंडल माई सेल्फ हे क्यूरी पाय अगर कहीं कोई मार्क रह गया तो तुम्हारे चेहरे की क्यूटनेस कम ना हो जाए करवा लो ना शुगर है किसी को तो मेरी क्यूटनेस की परवाह है वरना लोग अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं ठीक है कर दो Major Bakshi, meet my old friend Devraj Malhotra. Major Bakshi, principal of Army School. Colonel, कैसा लगा आपको सुमन के बारे में जानकर? क्या?
सुमन ने आपको बताया नहीं? वे सुमन, सुमन, कम यार। आई सर। सुमन, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। तुमने इतनी बड़ी बात पेरेंट्स को बताई नहीं। मेजर बख्शी, ऐसी क्या बात हो गई? What happened? मैम, सुमन हमारे स्कूल की फर्स्ट फीमेल कैडेट बन गई है, जो रिपब्लिक डे परेड में स्कूल को रिप्रेजेंट करेगी। वाओ। 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 कांग्रेचुलेशंस। ऐसा क्या झंडा गाड़ दिया इस सुखड़ी ने? आज का दिन अब स्पेशल हुआ है। आज मुझे एक नहीं, दो मेडल्स मिले हैं। एक अपने देश से और दूसरा अपनी बेटी से। थैंक यू पापा। शाबाश। इतनी बड़ी बात तुमने हमें बताई क्यों नहीं? आप दोनों को सरप्राइज देना चाहती थी। कांग्रेचुलेशंस। बहुत अच्छा सरप्राइज। आई मस्ट से कि हमी स्कूल्स में एजुकेशन और डिसिप्लिन इतनी अच्छी होती है कि आपके बच्चे छोटी सी उम्र में इतने रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। देवराज, श्रवण के एडमिशन के लिए कौन सा स्कूल सोचा है? अभी कुछ फाइनल नहीं किया है। तो आर्मी स्कूल में क्यों नहीं डाल देते? इस उम्र में बच्चों को एक खास तरह की डिसिप्लिन की जरूरत होती है, एंड आर्मी स्कूल इज बेस्ट फॉर दैट। बिल्कुल। मेजर बख्शी, क्या इनके बेटे का एडमिशन हो सकता है आर्मी स्कूल में? क्यों नहीं हो सकता? यू आर अवर कमांडिंग ऑफिसर, आपका एक रिकमेंडेशन लेटर लगेगा, सब हो जाएगा। एक्चुअली सर, मुझे लगता है उसके लिए थोड़ा लेट हो गया है। लेट तो हो गया है देवराज जी, लेकिन तुम्हारा बेटा हमारा भी तो कुछ लगता है, ऐसे कैसे जाने देंगे? दादा, देखो वहां बच्चा कितना दर्द में है, हमें चल के सपोर्ट करना चाहिए। कम आओ। हेलो चंद्रमान। सो यंग मैन, आर यू ओके? आई एम फाइन अंकल, मुझे कुछ नहीं हुआ। गुड। संजय? यस सर। फर्स्ट एड किया? हाँ सर। लड़का सिविलियन है बट ब्रेव भी, इतनी चोट लगने के बाद भी आग नहीं करी इसने। दैट इज गुड। मामूली सी चोट है, उसमें आग क्या करता है? नहीं सर, चोट तो थोड़ी ज्यादा लगी। देवराज, संजय अगर कह रहा है कि चोट जोर से लगी है तो जोर से लगी होगी। संजय ने सरहद पर मेरे लिए गोली खाई है, गलत नहीं बोलेगा। सो लाइक हिम, Young man, you have also something in you. क्यों बरखुरदार? दर्द बर्दाश्त ना हो रहा हो तो एक एक पैगा और हो जा। नहीं नहीं सर, श्रवण शराब नहीं पीता। ओ, आपको पता नहीं? दिन में शायद नहीं, पर रात में माहौल बनाना पसंद होगा। आपके साहबजादे कल रात से पी रहे थे, सुबह सुबह मुझसे टकराए थे जब एक ऑफिसर की जैकेट चुराकर भागे थे। आर्मी का जैकेट चुराना कोई मामूली बात नहीं। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, कुछ करना पड़ेगा। अंकल,
एक्चुअली श्रवण इस टिकट को ढूंढ रहा था और इसलिए थोड़ा परेशान था. तुम्हारा टिकट, सॉरी. इनफैक्ट इवेंट में ये टिकट मेरे पास थी और इस टिकट के चक्कर में बैग की खींचातानी हुई और ये गिर गया. कोई नहीं, एक लेसन तो मिला कि हर बार चोरी करके भागा नहीं जा सकता. स्पेशली जब पकड़ने वाली हमारी पोती सुमन हो. विजय, मैं वहां मिलता. नालायक, यही सब सिखाया मैंने तुझे? इतनी सी उम्र में शराब? ये क्या है? ये क्या है? ये टिकट? इस टिकट के पैसे आपने इसे दिए? इसी टिकट के पीछे पागल हो रहा था तू? हाँ, तू देखा मैं क्या करता हूं. ये ले ये टिकट. देवराज, कम डाउन, कम विद मी, कम. आई एम सॉरी. तुम्हें लगता है मैं एक इडियट हूं ना, जिसे समझ नहीं आ रहा कि ये सब तुमने जानबूझ के किया है? मैं तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी. दिख रहा है मुझे, बहुत अच्छे से समझ गया हूं मैं तुम्हें. तुम्हारा नाम सुमन नहीं, सुमो होना चाहिए. ऐसे मेरा नाम मत बिगाड़ो. I hate this sumo. And I just love it. बहुत प्राइड है ना तुम्हें अपनी आर्मी वर्ल्ड पे. अब मैं तुम्हारा नहीं भरू. कभी तो आओगी ना सिविलियन वर्ल्ड में, तब मजा चुकाऊंगा तुम्हें. बख्शी, एक्सक्यूज मी. यस मिस्टर देवराज, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? सर, आर्मी स्कूल में श्रवण का एडमिशन पॉसिबल है? बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है. तो फिर यही एक रास्ता है और यही सही है. देवराज, गुस्से में कोई भी डिसीजन लेना ठीक नहीं है. घर जाकर सोच समझ के फिर बता देना. हाँ जी भाई साहब, ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. मैं सोच समझ कर ही फैसला ले रहा हूँ. मैं उसे सजा नहीं दे रहा हूं, मैं उसे अपनी जिंदगी सुधारने का एक मौका दे रहा हूं. सुमन बेटा, तुम्हें क्या लगता है, श्रवण का एडमिशन आर्मी स्कूल में कराने से इसकी लाइफ में कोई फर्क पड़ेगा? एब्सोल्युटली अंकल, ये तो 4 दिन में सुधर जाएगा. डन सर, आप कल ही रिकमेंडेशन लेटर दे दीजिए, मैं उसका एडमिशन करवा देता हूँ आर्मी स्कूल में. Done. Done, sir. पापा, मेरी लाइफ है, मुझसे तो पूछ लो कि मुझे जाना है या नहीं. ये लाइफ मैंने तुम्हें दी है, डोंट फॉरगेट दैट. अब तेरी मनमानी बहुत हो गई है. कल तुम प्रिंसिपल साहब से मिलोगे और आर्मी स्कूल में एडमिशन लोगे, एंड दैट्स फाइनल. सो गाइस, लंच? यस, आइए प्लीज कम. हे, तुम मुझे अपने सिविलियन वर्ल्ड में देख लेने का थ्रेट दे रहे थे ना? अब तो तुम्हारा गेम उल्टा पड़ गया. बी मेंटली प्रिपेयर्ड, क्योंकि अब मैं तुम्हारे वर्ल्ड में नहीं, तुम मेरे वर्ल्ड में आ रहे हो. आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी. तूने पापा की आंखों में देखा? मैंने देखा.
वो बोलते नहीं है बट इवन ही वॉज प्राउड ऑफ हिमसेल्फ टुडे. देखना रिपब्लिक डे परेड में ना मैं भी बेस्ट कैडेट का अवार्ड जीतूंगी. शाबाश मेरी बहन. ऐसी अपनी बहन का नाम रोशन करती है ना. हाँ क्योंकि बहन तो कुछ करने वाली नहीं है. अच्छा मैं कुछ नहीं करने वाली. कितनी ठंड है ना आज. कितनी अच्छी होती है भोपाल की ठंड. कभी कभी सोचती हूँ जहाँ ऐसी ठंड नहीं पड़ती वहां लोग कैसे रहते होंगे. हाँ बोरिंग. ओहो लुक हू इज टॉकिंग अबाउट बीइंग बोरिंग. हाँ हेलो बंटी. हेलो यार ये कहाँ कर लिया पापा ने. नेटवर्क भी नहीं आता. हेलो हे श्रवण. हाय बंटी रुक मैं बाद में बात करता हूँ. ए हाय क्या कर रही है. हाय कंचन. उस इडियट को क्यों बुला रही है. एक तो बेचारे को तेरी वजह से आर्मी स्कूल में एडमिशन लेना पड़ रहा है. कितनी सैडनेस आ गई बेचारे के क्यूट से चेहरे पे. बेचारा कौन बेचारा. जो हुआ है ना सही हुआ है. एक्चुअली ना तू सही कह रही है. जो हुआ ना सही हुआ. तूने ना चाहते हुए भी मेरी हेल्प कर दिया सुमन. अब मैं रोज उसको स्कूल में देख पाऊंगी. हाय तू ना मेरी सच्ची बहन है सुमन. और मैंने ना चाहते हुए भी अपना नुकसान करा लिया. अब मुझे उसका चेहरा स्कूल में भी देखना पड़ेगा. ओए ऐसा है कि अक्कड़ भी उतनी दिखाओ जितनी संभले. कहीं भारी ना पड़ जाए. समझ रही हो ना कंचन. और शायद कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आती. सुमो समझ रही हो ना. सुमो डोंट कॉल मी सुमो. यार वैसे इट्स नॉट माय बैड. सुमो मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया पहले. तुझको सूट भी करता है. सुमो शट अप. डिनर का टाइम हो गया चल. अरे चल ना वरना दादू चिल्लाएंगे. अरे वो कुछ बोल रहा है सुमन. सुन तो सही. अरे जा कहाँ रही हो. सुमन सुन तो सही. कंचन समझा देना इसे. कुछ बोल रहा है. छोड़ूंगा नहीं मैं इसे. बहुत गलत आदमी से पंगा लिया तूने सुमो. सुमो कहीं की. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.